परिवार के बीवी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। जब वो उसकी पत्नी जब थाने जाके रिपोर्ट लिखाती है तो थाना अध्यक्ष उसका रिपोर्ट लिखने से मना कर, क्या परिणाम होता है कि उसी रात उसको जला दिया जाता है, जिसको 5 साल की बच्ची ने यहाँ पे PMCH में दम तोड़ दिया और उनकी उनकी माता ने उसको कुछ दिन पहले दम तोड़ दिया। आप इस तरह का बयान देते हैं तो भाई अगर घर में किसी का लूट हो जाएगा तो यानी कि घर वाला का गलती है कि वो सो कहाँ रह रहा था है? बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था चौपट रखी है, जो 3 साल का डिग्री 5 साल में मिलता है, 6 साल में मिलता है, तो ये भी क्या विद्यार्थी का गलती है? ये बहुत पिछड़ा थी, पिछड़ा को नरसंहार हो रहा है। ये शराबबंदी के नाम पर जिस तरीके से गरीब भाइयों को और जिस तरह से दलित भाइयों को, पिछड़ा थी पिछड़ा समाज के भाइयों को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको जेल में डाला जा रहा है, दिन दहाड़े हत्या हो रही है, कानून व्यवस्था यहाँ चौपट हो गया है, ये एक दलित विरोधी सरकार बिहार में चल रही है। नीतीश जी कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। आप इस तरह के बयान देते हैं तो भाई अगर घर में किसी का लूट हो जाएगा तो यानी कि घर वाला का गलती है कि वो सो कहाँ रह रहा था है? बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था चौपट रखी है, जो 3 साल का डिग्री 5 साल में मिलता है, 6 साल में मिलता है, तो ये भी क्या विद्यार्थी का गलती है कि बिहार में क्यों पढ़ रहा है? अगर किसी स्वर्णकार के यहाँ या किसी व्यवसायी के यहाँ किसी के यहाँ लूटपाट हो जाता है तो क्या उसका गलती है कि दुकान बंद करके रात को सो क्यों रहा था? तो यानी कि लोग अपना गलती कोई नहीं देखेगा, ये नहीं देखेगा कि बिहार में कानून व्यवस्था किस तरीके का चरमरा गया है। ये देखिए हम क्या कह रहे हैं, ये दलित विरोधी सरकार है, इस तरीके का घमंड इनके वाक्य से समझ में आता है कि आप ये कह रहे हैं कि आपके यहाँ पे आपके प्रदेश में आपके नाक के नीचे शराब बिक रही है, आपके नाक के नीचे हत्या हो रही है, आपके कान पे जू नहीं रेंग रहा है और आप गरीबों की मदद करने से इतरा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कोई मुआवजा नहीं देंगे, उसको कोई मदद नहीं करेंगे, तो ये साफ दर्शाता है कि ये दलित विरोधी सरकार बिहार में चल रही है। क्या उस वक्त भी हम लोग सवाल उठाते थे? खासकर हम लोग सवाल उठाते थे तारी के ऊपर। तारी को एक किसान का उपजाया हुआ उसका दायरा मिलना चाहिए। ये आज देखिए बिहार सरकार क्या कर रही है, जो पासी समाज के हमारे भाई हैं, जो क्या जिसका मूल्य साधनी कमाने का एक तारी है, उसको आपने जेल में डाल, दीवार का रहन पालन पोषण उनका शिक्षा वो सब अवरुद्ध हो गया है, वो खाने पीने के उनके लाले पड़ गए हैं। आप देखिए जब से शराबबंदी कानून लागू हुआ है कम से कम 6 लाख से ज़्यादा लोग जेल जा चुके हैं, उन पर कार्रवाई हो चुकी है। अभी आप यहाँ पे अरवल की अगर आप घटना लें, शराबबंदी कानून के तहत और गलत षड्यंत्र के तहत वहाँ पे एक पासवान परिवार में उसके पति को जेल में डाल दिया गया और उसके आवाज में वहाँ पे उसके परिवार के बीवी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। जब वो उसकी पत्नी जब थाने जाके रिपोर्ट लिखाती है तो थाना अध्यक्ष उसका रिपोर्ट लिखने से मना कर, क्या परिणाम होता है कि उसी रात उसको जला दिया जाता है, जिसको 5 साल की बच्ची ने यहाँ पे PMCH में दम तोड़ दिया और उनकी माता ने उसको कुछ दिन पहले दम तोड़ दिया। इसके लिए हम लोग वहाँ पे घर पे भी गए, तब भी बिहार सरकार इस पे संज्ञान नहीं लेती है, थाना अध्यक्ष को बर्खास्त नहीं करती है और इस पे कोई भी उनके तरफ से या उनके सहयोगी की तरफ से कोई इस पे टिप्पा टिप्पणी नहीं होती है और वहाँ पे यहाँ तक कि भाई उनको कोई मदद तक नहीं पहुँचाई जाती है। शराबबंदी खत्म कर दे क्या? आप तो कहिए खुद शराब पियो। आपका जो नीयत और जो नीति है ये साफ दर्शाती है। आप शराबबंदी कानून को एक एक हथियार बनाकर आप गरीबों पे जिस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं, आप बताइए कि जिस जो भी आज शराबबंदी कानून को ले वो कौन है? वो कौन है? हमारे भाई हैं, वो हमारे दलित भाई हैं, हमारे पिछड़ा समाज के भाई हैं, उनके परिवार का पालन पोषण आप कैसे कर रहे हैं? आपने कोई भी किसी के साजिश के तहत बोतल किसी के घर में रख दिया और उसको आपने जेल में डाल दिया, ये कहाँ से उचित है? अगर शराबबंदी कानून है, अगर शराब यहाँ बिकती है तो उसका साफ जिम्मेवार बिहार सरकार है। हम ये मांग करते हैं जो सारण में, जो छपरा में जो दलितों से नासंगार हुआ है, मुआवजा मिले। अरे मुख्यमंत्री जी ने दिया है कि भाई ये जो पिएगा वो मरेगा, इसके लिए वो माफी मांगे। हम सरकार है।
इस्तीफा दो। नीतीश कुमार हाय 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 हाय।